सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। इस बुलेटिन विच आपां गल करांगे अज दीआं मुख खास खबरां बारे। दोस्तों वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना तां कि तुहानूं सारी जानकारी मिल सके। शुरुआत करदे हां जी अज दीआं मुख खबरां दे नाल। पंजाब विच इंतकाल फीस 300 रुपए तों वधा के 600 रुपए कर दित्ती गई है। सूबे की वित्तीय हालत सुधारन लई वाधू मालिया जटाउण की कोशिश वजों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई विच मंत्री मंडल ने अज इंतकाल फीस 300 रुपए तो वधा के 600 रुपए करन लई हरी झंडी दे दित्ती है। इस फैसले नाल सूबे के खजाने नूं लगभग 10 करोड़ रुपए की माली मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने माल विभाग नूं जमीन मालकां दे हित विच सारे बकाया इंतकाल निपटाने लई विशेष मुहिम भी चलाने लई आख्या है। अगली खबर दोस्तों, पीसीएस बनन दे चावन साबका फौजियों लई चंगी खबर। पंजाब सरकार ने वधाई प्रीख्यावां देण दे मौके। पंजाब सरकार वल्लों साबका फौजियों की भलाई नूं ध्यान विच रखदिआं यूपीएससी दे पैटर्न ते पीसीएस दीआं प्रीख्यावां देण दे मौकिआं विच वाधा कर दित्ता गया है। मंत्री मंडल दी अज होई बैठक दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों बीते हफ्ते किते ऐलान तो बाद पीसीएस बनन दे चाहवन साबका फौजियों लई मौके वधाउण नूं मंजूरी दे दित्ती गई है, जिस नाल जनरल श्रेणी दे साबका फौजी उम्मीदवारां नूं मौजूदा समय पीसीएस दी प्रीख्या देण दे 4 मौके मिलदे सन, पर हुण इन्हां नूं वधा के 6 कर दित्ता गया है। इसे तरह पछड़ी श्रेणी दे साबका फौजी उम्मीदवारां लई 4 मौकियां तों वधा के 9 मौके कर दित्ते गए हन, जदकि अनुसूचित जाति श्रेणी दे साबका सैनिकां लई अणगिणत मौके कर दित्ते गए हन। अगली खबर दोस्तों, सूचना लीक होण दा खतरा। भारतीय फौजियों नूं फेसबुक सने 99 ऐप्स हटाउण लई कहा। चीन नाल चल रहे तनाव च भारतीय फौज ने अपने अधिकारियों नाल अपने अपने स्मार्टफोन विचों टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम समेत 99 ऐप्स नूं डिलीट करन लई कहा है। फौज ने यह कदम इसलिए उठाया है तां जो सूचनावां नूं लीक होण तों रोकिया जा सके। फौज ने फौजियों नूं इन्हां ऐप्स नूं हटाउण लई 15 जुलाई तक का समां तय किया है। उन्हां नूं वट्सएप टैलीग्राम यूट्यूब ते ट्विटर की वरतों की मंजूरी दित्ती गई है। उन्हां नूं यह निर्देश दिता गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते अपनी फौज के पिछोकड़ नूं उजागर नहीं करना है। इस तों पहलां भारत सरकार ने भी सूचनावां नूं लीक होण तों रोकण लई 59 चीनी ऐप्स नूं बैन किया सी। सरकार ने इन्हां चीनी ऐप्स ते IT एक्ट 2000 तहत बैन लाया सी। इस दे पिछे यह मनना सी कि चीन इन्हां ऐप्स राही भारतीय डाटा हैक कर सकता है। अगली खबर दोस्तों, घाटे च चल रही सरकारी बसां नूं राहत, बराबर चलण लगियां प्राइवेट बसां। सरकार वल्लों कीते गए 6 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराए विच वाधे ने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां नूं अपने वल आकर्षित किया है, जिस कारण हुण प्राइवेट अते सरकारी बसां लगभग 1 बराबर चल रही हन। इस नाल घट गिनती विच जाण वालियां बसां नाल हो रहे नुकसान विच कमी आ रही है, उत्थे ही सरकारी बसां नूं मुनाफा होण लगा है। जिस तरह की स्थिति बन रही है उस मुताबक आने वाले दिनों में प्राइवेट बसों के चलने में इजाफा होना तय है। इंटरनेशनल फ्लाइटों के लिए बसों को तैयार कर दिया गया है, इसलिए बसों को सैनिटाइज करवाने के नाल नाल स्टाफ को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है ताकि हर तरह की सावधानी को अपनाया जा सके। अगली खबर दोस्तों, UAE विच फसे 170 पंजाबियों को लेके पहली चार्टर्ड उड़ान पुजी वतन। बिना पैसा इकट्ठा किए अपनी निजी कमाई का 98% हिस्सा भाव करोड़ों रुपए खर्च के अरब देशों चों सैकड़े मावां दे पुत्तां नूं मौत दे मूंह विचों बचा के लियाउण वाले दुबई दे उग्गे कारोबारी अते सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट दे मोढी डाक्टर SP सिंह ओबराई ने एक बार फिर तो अपने कहे बोल पगाउंदिआं UAE अंदर फसे हजारां भारतीयां विचों 170 लोकां नूं अपने खर्चे ते बुक किते पहले विशेष चार्टर्ड जहाज राहीं वतन लिआंदा। अजिहा करके उन्हां ने सेवा दे खेतर अंदर एक बार मुड़ इतिहास सिरज दित्ता है। इस संबंधी जानकारी सांझी करदिआं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट दे बानी डाक्टर
एसपी सिंह ओब्राई ने दसा कि पहले पड़ा तहत उन्हें अपने खर्च से बुक करवाईया चार विशेष उड़ाना चो पहली चार्टर्ड उड़ान जो बीती रात अल खेमा हवाई अड्डे तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पहुंची सी उस राही 170 पंजाबियों वापस लियाउण उपरंत उन्हां सारयां आपो अपने जिले अंदर भेज दिता गया है। इस उड़ान राही आए लोग अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, हुशियारपुर, बरनाला और बठिंडा जिले नाल संबंधित सन। अगली खबर दोस्तों, सुखदेव सिंह ढींडसा श्रोमणी अकाली दल दे बने प्रधान। राज्यसभा मैंबर ते साबका केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई विच अज गुरद्वारा शहीदां विखे एक मीटिंग हुई जिस विच सर्बसम्मति नाल सरदार ढींडसा नूं श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान चुनिया गया। जेकर रजिस्ट्रेशन समय कोई समस्या आई तां पार्टी दे नाम नाल कोई शब्द जोड़ लिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, जिला फरीदकोट तो जिथे चार आंगनवाड़ी वर्कर एक पुलिस कर्मचारी समेत 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर रजिंदर कुमार ने दसिया कि फरीदकोट जिले अंदर कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। अज प्राप्त हुए नतीजे विचों 17 नवे कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उन्होंने दसिया कि अज तक 10,821 सैंपल लैब विच भेजे जा चुके हैं। अज प्राप्त नतीजे विच 17 नवे कोरोना पॉजिटिव केसों में कोटकपुरा के 9 व्यक्ति, पिंड वांदर जटाना दे 2, पिंड जलेला आने दे 2, पिंड सिरसिड़ी दा 1, पिंड कोठे वड़ेंग दे 2 ते कमरा पत्ती जैतों दा 1 व्यक्ति शामिल है। एक कोरोना पॉजिटिव केस जिला मोगा तो भी रिपोर्ट होया है। जिले दे 102 व्यक्ति कोरोना तो तंदुरुस्त हो चुके हैं। हाल ही विच पॉजिटिव आए मरीजों नूं आइसोलेशन वार्ड विच दाखिल करवाया गया है। हुण जिले विच कोरोना दे एक्टिव केस 44 हो गए हैं। अगली खबर दोस्तों, पंजाब लई आउण वाला समा बेहद नाजुक, कैप्टन दी जनता नूं अपील। पूरी दुनिया नूं अपनी लपेट च लैण वाली भयानक कोरोना महामारी ने भारत समेत पंजाब च भी इस समय पूरा कहर पाया होया है ते सूबे अंदर लगातार वड्डी गिणती च कोरोना केस वधदे जा रहे हैं। बीते दिन होए पंजाब वजारत की बैठक च सूबे अंदर कोविड की स्थिति का जायजा लिया गया। सूबा सरकार के सेहत सलाहकार डॉक्टर के तलवाड़ ने कहा कि आने वाला समा सूबे लिए बेहद नाजुक है ते हर व्यक्ति नूं अपनी अते होरना दी सुरक्षा लिए पूरियां सावधानियां वरतनियां पैणगियां। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों सूबे च कोरोना केसां दे हो रहे इजाफे दे मद्देनज़र जनता नूं होर सुचेत रहण दी अपील कीती गई है। अगली खबर दोस्तों, ट्रेन बस टक्कर च मारे गए 21 सिख परिवारां नूं 1 करोड़ देवेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत दी सरकार ने बुधवार नूं उन्हां 21 सिख तीर्थ यात्रियों दे परिवारां नूं 1 करोड़ रुपए की मदद देण दा ऐलान कीता है, जिन्हां दी पिछले हफ्ते ट्रेन बस की टक्कर च मौत हो गई सी। भारत च वी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान च मारे गए सिख तीर्थ यात्रियों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कमेटी जख्मियों को भी 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। अगली खबर दोस्तों, पढ़ाई को सुचारू ढंग नाल चलाने लई 71 लैक्चरारां दा तबादला। पंजाब सरकार ने जिला सिक्ख्या ते सिखलाई संस्थावां विच विद्यार्थियों की पढ़ाई नूं सुचारू ढंग नाल चलाने लई 71 लैक्चरारां दा तबादला कर दिता है। इस दी जानकारी दिंदे होए अज इत्थे स्कूल सिक्ख्या विभाग दे इक बुलारे ने दस्या कि स्कूल सिक्ख्या मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला की प्रवानगी तो बाद स्कूल सिक्ख्या सकत्तर श्री किशन कुमार ने इन्हां हुक्मां दे हस्ताक्षर कर दिते हन। अगली खबर दोस्तों, श्रोमणी कमेटी के फैसले नाल पंजाब के 3.5 लाख दुध उत्पादकों के ढिड ते लत वजी। श्रोमणी कमेटी वालों लंगर ते कड़ा प्रसाद लई देसी घ्यो ते सुके दुध की सप्लाई मिल्क फैड नूं छड्ड के पुणे की एक प्राइवेट कंपनी सुनाई डेयरी नूं देण दा मामला तुल फड़दा जा रहा है। पंजाब के सहकारिता मंत्री ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान वल पत्र लिख के इस फैसले ते मुड़ नज़रसानी करन दी अपील कीती है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्रोमणी कमेटी प्रधान वल्लों लिखे पत्र च कहा है कि इस फैसले नाल पंजाब के करीब
3.5 लाख दुध उत्पादकों के ढिड ते लत वजी है। उन्होंने कहा कि इन्ह दुध उत्पादकों 99% सिख हैं, जबकि श्रोमणी कमेटी सिखा की निरोल नुमाइंदा जथेबंदी है, जिस तो अजिहे फैसले की आस भी नहीं की जा सकती सी। नवे करारनामे तहत प्राइवेट कंपनी को करीब 60 करोड़ रुपए के मुल के देसी घ्यो सुके दुध की सप्लाई का ऑर्डर मिल गया है। सहकारिता मंत्री रंधावा अनुसार मिल्कफेड पंजाब का वह सहकारी अदारा है जिसका मकसद मुनाफाखोरी ना होकर सूबे के दुध उत्पादकों दुध का सही भा देने अपने उपभोक्तावान उच्च म्यार दुध घ्यो पनीर दुध तो बनिया होर वस्तां मुहैया करवाना है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब विच कोरोना के कुल केसां की संख्या हुई 6907, ठीक हुए 4828। पूरे देश समेत पंजाब विच भी कोरोना के मामले तेजी नाल रफ्तार फड़ रहे हैं। बीते दिन सूबे विचों 158 नवे कोरोना के केसों की पुष्टि हुई है, जिस करके कुल मामलों की गिणती वध के 6907 हो गई है। उत्थे ही राहत वाली गल यह भी है कि 274 होर कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़िया है। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी किए अंकड़े अनुसार लुधियाना तो 12, अमृतसर तो 11, जलंधर तो 72, संगरूर तो 3, पटियाला तो 4, मोहाली तो 6, गुरदासपुर तो 9, पठानकोट तो 2, रोपड़ तो 1, फरीदकोट तो 17, कपूरथला तो 3, फिरोजपुर तो 9, बठिंडा तो 5 ते मानसा तो 2 नवे कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उत्थे ही लुधियाना विच 41, संगरूर विच 20, पटियाला विच 18, मोहाली विच 12, गुरदासपुर विच 8, तरनतारन विच 1, हुशियारपुर विच 2, जलंधर विच 111, नवांशहर विच 3, फतेहगढ़ साहब विच 10, रोपड़ विच 3, फरीदकोट विच 1, कपूरथला विच 1, फिरोजपुर विच 22, बठिंडा विच 6, मानसा विच 1 ते फाजिलका विच 14 मरीज कोरोना नूं हरा के ठीक होए हन, जिस करके सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4828 हो गई है। जबकि गुरदासपुर, लुधियाना ते जलंधर विच एक एक कोरोना पीड़ित की मौत हुई है ते मृतकों का अंकड़ा 178 तक पहुँच गया है। सूबे विच इस वेले 1901 एक्टिव केस हैं। ये सन जी हुण तक दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां। होर खबरां जानण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल जरूर शेयर करना। धन्नवाद दोस्तों।